राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने सीएम योगी से की मुलाकात। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म। अगले साल राजस्थान में होने हैं चुनाव। ओबीसी आरक्षण पर अखिलेश के सवालों का राजभर ने जवाब दिया। प्रमोशन में आरक्षण किसने रद्द किया? सत्ता में आते हैं तो पिछड़ों को भुला देते अखिलेश। आयोग गठन पर भी तंज कसा। पिछड़ों के साथ हो रहा आयोग का खेल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा सरकार ओबीसी के लोगों को भागीदारी नहीं देना चाहती। ओबीसी को गुलाम बनाने की चल रही है साजिश। निकाय चुनाव में आरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार द्वारा गठित आयोग की रिपोर्ट के बाद चुनाव की मांग करेगी सरकार। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार ने आयोग का गठन किया। रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम गठित। 6 महीने के भीतर रिपोर्ट। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले का मामला। प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकती है एसएलपी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होंगे चुनाव। निकाय चुनाव को लेकर शफीकुर रहमान वर्ग का बीजेपी पर हमला। जो फैसला सरकार को लेना था उसके लिए कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई? बर्क ने कहा बीजेपी को डर है निकाय चुनाव उनके खिलाफ गए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हार पक्की है। चुनाव प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी। देश में कहीं से भी वोटिंग प्रक्रिया पर काम शुरू। चुनाव आयोग ने राज्यों से राय मांगी। पीएम मोदी ने की यूपी की जेलों की जमकर तारीफ। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान। पीएम मोदी ने खुद उनको बुलाया। प्रदेश की जेलों की व्यवस्थाओं के बारे में जाना। यूपी में नए साल में 119 आईएएस 65 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन मिलेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई डीपीसी की बैठक में सहमति बनी। जन शिकायतों पर गंभीर सीएम योगी। शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर गलत या ना फीड करने पर कार्रवाई। 24 जिलों के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी में नए साल में बिजली चोरी और बिल जमा न करने वालों के खिलाफ अभियान चलेगा। 10,000 से बड़े बकायेदारों का काटा जाएगा कनेक्शन। घरेलू और कमर्शियल सभी तरह के कनेक्शन धारी शामिल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड का बड़ा फैसला। बहुमंजिला इमारतों का ऑडिट किया जाएगा। स्ट्रक्चरल ऑडिट की पॉलिसी पर मुहर लगी। 5 साल तक स्ट्रक्चरल ऑडिट का खर्च देंगे बिल्डर। संभल में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जावेद का मकान कुर्क किया। 11 लाख कीमत का मकान है। आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज। इटावा में मंचलों की करतूत से दहशत। आई लव यू बोलने से मना करने पर लड़की के चाचा को पहले धमकी दी फिर घर के बाहर फायरिंग भी की। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। औरैया में सराफा व्यापारी से लाखों के लूटे। तमंचे के बल पर 6 लाख लूटे। सीतापुर में कोहरे के चलते बड़ा हादसा। 24 से ज्यादा मजदूर घायल हुए। बस के खाई में गिरने से हादसा हुआ था। जालौन में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक खाई में गिरा। ट्रक सवार 2 लोगों की हालत गंभीर। बिजनौर में आवारा पशुओं को लेकर डीएम ने लगाई गांव में चौपाल। ग्रामीणों के पशुओं का सर्वे शुरू। बुलंदशहर में आवारा पशुओं से फसल बचाने को किसान दे रहे खेतों में पहरा। भीषण ठंड में किसान खेतों में रात गुजारने के लिए मजबूर। मऊ में 3 बदमाशों ने पॉलिटेक्निक छात्र को गोली मारी। वाराणसी रेफर। चित्रकूट के हटवा गांव में घर के बाहर मिला बुजुर्ग का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बागपत में कब्रिस्तान की पेड़ से लटका हुआ मिला युवक का शव। शव के पास से मोबाइल और सुसाइड नोट बरामद। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला महिला का शव। ससुरालियों पर हत्या का आरोप। सीतापुर में 8 दिन में धर्मांतरण के 8 मामले आए सामने। 37 आरोपियों पर दर्ज किया गया केस। अब तक 25 आरोपियों की गिरफ्तारी। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बोले रविवार की छुट्टी का नहीं है कोई प्रस्ताव। कमर अली का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन। अखिल भारत हिंदू महासभा के नेतृत्व में निकाली जाने वाली छत्री यात्रा पहुंची अयोध्या। यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या। दबंगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। चंदौली में शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। गला काटकर हत्या की। आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में धड़ल्ले से बेची जा रही सिंगल यूज प्लास्टिक। प्रशासन ने छापेमारी की। व्यापारियों ने नगर पालिका के अधिकारी पर हमला बोला। पीलीभीत में तालाब में मिली बाइक। पुलिस बाइक सवार से की जा रही पूछताछ। नोएडा में
मेड को बंधक बनाकर टॉर्चर करने वाली मालकिन शेफाली पोल गिरफ्तार। मेड की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। सेक्टर 120 स्थित क्यू काउंटी सोसाइटी का मामला। बहराइच में ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को टक्कर मारी, साइकिल सवार पोस्टमैन की मौत हुई। रायबरेली में कलियुगी मां की करतूत, ठंड में नवजात बच्ची को पॉलिथीन में लपेटकर नहर में फेंका। चंदौली में चोरों ने एक दुकान में चोरी की, 200 बोरी सीमेंट और 50 क्विंटल सरिया लेकर फरार हुए चोर। संभल में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही, ट्रेनिंग लेटर के लिए 3 दिन से भटक रहे हैं चयनित अभ्यर्थी। कौशाम्बी में महिला कर्मचारी उत्पीड़न मामले में महिला संगठन का विरोध, महिलाओं ने की डीपीओ की गिरफ्तारी की मांग। झांसी पुलिस ने 2 लुटेरों को अरेस्ट किया, आरोपी से सोने के जेवर बरामद। बलिया में पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाले की बड़ी डिमांड, चाय पीने के लिए लंबी लाइनें लगी। कानपुर देहात में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने खतरनाक कदम उठाया, अटेंशन लाइन के पोल पर किसान चढ़ गया। वृंदावन जिला संयुक्त चिकित्सालय में मरीज की मौत के बाद हंगामा, मरीज के परिजनों ने स्टाफ नर्स के साथ मारपीट की। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर पुल में फंसा मिला अज्ञात का शव, पुलिस कर रही है जांच। रामपुर में पुलिस के हाथ लगे बदमाश, अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। जालौन में प्राचीन मंदिर से लाखों रुपए की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी, पुलिस कर रही है जांच। बागपत में महामारी अधिनियम में वांछित इनामी गिरफ्तार, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा, गांव खोज के पुर का रहने वाला है आरोप। बहराइच में खेत में मिली मजदूर की लाश, शराब से मौत का शक। बहराइच में जिला अस्पताल के पूर्व सीएमएस की जमीन पर दबंगों का कब्जा, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बहराइच में डीसीएम ट्रक ने युवक को टक्कर मारी, मौके पर युवक की मौत। मैनपुरी में किसान की गोली मारकर हत्या, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन। महराजगंज में ट्रक की चपेट में आए शख्स, हादसे में बाल बाल बचा शख्स। श्रावस्ती में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में कार सवार महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में एक मजदूर की मौत, शनिदेव मंदिर के पास शव मिला। अलीगढ़ में आरटीओ के ड्राइवर का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है जांच। आगरा में कैश कलेक्शन कंपनी का डिलीवरी मैन बैंक से 1,36,00,000 रुपए लेकर फरार, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मैनपुरी में कोचिंग के छात्रों में आए दिन हो रही गैंगवार, 2 गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल। देवरिया के गांव तेलिया अफगान का बदला गया नाम, तेलिया शुक्ल किया गया गांव का नाम। पांडा में सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की मौत, हादसे में एक की हालत गंभीर, 3 युवक एक ही परिवार के सदस्य। मऊ में आग में झुलसने से 5 लोगों की मौत, झोपड़ी में चूल्हे की चिंगारी से आग लगने से हादसा हुआ, मां सहित 4 मासूमों की मौत। रायबरेली में जी यूपी उत्तराखंड की खबर का असर, जिला जेल में सिपाही की पिटाई का मामला, डीजी ने 5 सिपाहियों को सस्पेंड किया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी, पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। कानपुर देहात के बलवंत हत्याकांड में 2 और पुलिसकर्मी गिरफ्तार, सिपाही प्रशांत पांडे और विनोद कुमार को भेजा गया जेल, अब तक 8 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। योगी सरकार में माफियाओं पर जारी है बुलडोजर की कार्रवाई, मेरठ रेंज में सबसे ज्यादा माफियाओं पर कार्रवाई हुई। लखनऊ में सन के पति की हैवानियत, पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से वार किया, संतान न होने पर प्राइवेट पार्ट पर किए वार, महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर के जीटी रोड पर 3 दुकानों में आग लग गई, लाखों का नुकसान। बुलंदशहर में किसानों ने एसडीओ के साथ बदसलूकी की, एसडीओ के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए किसान, वीडियो वायरल। नोएडा में G20 समिट को लेकर तैयारी में जुटा है प्रशासन, अधिकारी नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। कानपुर देहात में दबंगों ने झोपड़ी में आग लगा दी, बुजुर्ग महिला झुलसी। इटावा में माता पिता की डांट से गुस्साए युवक ने तेजाब पिया, युवक की हालत गंभीर। उत्तराखंड के सभी स्कूलों में मास्क अनिवार्य, शिक्षा महानिदेशक ने जारी किया आदेश, बच्चों और अभिभावकों से सहयोग की अपील। देहरादून में सीएम धामी का आज कोलकाता दौरा, नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे, कल सुबह 11 बजे INS नेताजी सुभाष होस्टिंग में बैठक। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रैन बसेरों का जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए कोई खुले में सोता न दिखे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया, 13 जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
कोविड को लेकर देश में आने वाले 40 दिन अहम। विशेषज्ञों के मुताबिक जनवरी में और तेजी से बढ़ सकते हैं कोरोना के केसेस। भारत में कोरोना के 268 नए मामले आए सामने। देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3552। भारत में कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार। पिछले दो दिनों में 6000 से ज्यादा विदेश से आए यात्रियों का टेस्ट। अगले हफ्ते से 6 देशों से आने पर आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी होगा। सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा टेस्ट। एयरपोर्ट पर हुए टेस्ट में 39 विदेश से आए यात्री निकले पॉजिटिव। नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों को किया गया आइसोलेट। बोधगया में 2 और विदेशी पर्यटक पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जिले में संक्रमितों की संख्या 18। यूपी में नए साल से पहले पुलिस की कार्रवाई। लखनऊ की सड़कों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में की जांच। आगरा में ताजमहल देखने आए विदेशी पर्यटक कोरोना संक्रमित मिला। पुलिस की मदद से की जा रही है तलाश। ब्रिटेन के मौसम विभाग का बयान। 2022 ब्रिटेन की जलवायु इतिहास का सबसे गर्म साल है। केएल अल्टो में आया बवंडर। कई घरों को नुकसान पहुंचा। एल अल्टो की पहाड़ियों के ऊपर चक्कर लगाते दिखा बवंडर। बांग्लादेश में शुरू हुई पहली मेट्रो सेवा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हरी झंडी दिखाई। ईरानी खिलाड़ी सारा खादिम ने बिना हिजाब शतरंज टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन को समर्थन दिया। सर्बिया और कोसोवा के बीच हालात खतरनाक। उत्तरी कोसोवा में सर्ब समुदाय के लोगों ने सड़कों को ब्लॉक किया। चीन ने ताइवान पर फिर से दावा किया। विदेश मंत्रालय का बयान। चीन और ताइवान का एकीकरण सबसे पहली प्राथमिकता। वहीं ताइवान ने अनिवार्य सैन्य सेवा 4 माह से बढ़ाकर की 1 साल। अमेरिका के नवादा एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में 7 लोग घायल। वेनेजुएला में तेल रिफाइनरी में भयानक आग लग गई। तेल रिफाइनरी से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा। फिलीपींस में बाढ़ की वजह से 25 लोगों की मौत। 26 लोग अभी भी लापता। बाढ़ की वजह से 4 लाख लोग प्रभावित। अमेरिका में लोगों की मदद कर रही पुलिस। बर्फीले तूफान के दौरान फंसे वाहनों को निकालते दिखे पुलिस वाले। अमेरिका के एरिजोना में बड़ा हादसा। जमी झील में गिरने से भारतीय मूल के 3 लोगों की मौत। जमी झील पर घूम रहे थे 3 लोग। बर्फीले तूफान में जमा कनाडा का ओंटेरियो। नियाग्रा में खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी का ऐलान। चीन के हेनान में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा। पुल पर टकराई 200 से ज्यादा गाड़ियां। हांगकांग ने यात्रियों के लिए दी कोविड नियमों में छूट। वैक्सीन पास कोविड-19 टेस्ट को रद्द किया। मास्क लगाना अभी भी जरूरी। न्यूयॉर्क के बफेलो में बर्फीले तूफान से हालात सबसे खराब। इरी कंट्री के कई इलाकों में एक रात में हुई 30 से 40 इंच तक बर्फबारी। अमेरिका में 60% आबादी बर्फीले तूफान से प्रभावित। कनाडा से लेकर मेक्सिको बॉर्डर तक तूफान का खतरा। अमेरिका में बर्फबारी से अब तक 55 की मौत। अकेले न्यूयॉर्क में 25 लोगों की मौत। बफेलो और न्यूयॉर्क शहर सबसे ज्यादा प्रभावित। अमेरिका के टेनेसी में ठंड की वजह से जमे झरने। अमेरिका में बर्फीले तूफान और ठंड से हालात खराब। अमेरिका में अकेले साउथ वेस्ट एयरलाइंस की 2500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। बर्फबारी के चलते 2890 फ्लाइट कैंसिल हुई।